हेलो एवरीवन, मैं कुलेश्वर कुमार साहू आपका स्वागत करता हूं कंपटीशन विंग में, विच इज पावर्ड बाय सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज। तो दोस्तों, जिसका इंतजार जो है बेसब्री से काफी लोगों को था, काफी समय से छत्तीसगढ़ में कोई वैकेंसीज नहीं आ रही थी, लोग परेशान हो रहे थे कि कैसे, क्या हुआ, क्यों आ नहीं आ रहा है, कब आएगा। तो ये जो बहुत सारे जो चीजें हैं जो लोगों के मन में चल रही थी, जो युवा साथी हैं जो तैयारी कर रहे हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की, और बहुत दिनों से एक और खबर थी कि एडीओ का कब आएगा, एडीओ का आएगा, एडीओ का आएगा। लेकिन दोस्तों, अब जो है आपके इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली है, बस कुछ समय में, कुछ दिनों में जो है एडीओ की का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। क्योंकि अभी देखिए, अब इलेक्शन का समय है तो सारी भर्तियां होनी है, भले आज नहीं तो कल, अप्रैल नहीं, मार्च नहीं तो अप्रैल में, लेकिन नोटिफिकेशन जारी होगा और होगा ये तय है। अब ये तय है, ये हमको कैसे पता चला, तो देखिए अभी जस्ट कुछ समय, कुछ दिनों पहले जो है, एक 15 फरवरी को ग्रामीण पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने एक सूची जारी की, जिसमें जो एडीओ है, जो पुराने एडीओ है, असिस्टेंट और जो आपका सहायक विकास विस्तार अधिकारी बोलते हैं, असिस्टेंट डेवलपमेंट एक्सटेंशन ऑफिसर, तो ये जो एडीओ के पद हैं, ये एडीओ के पद में थे कुछ 100 समथिंग कुछ थे, उनका प्रमोशन हुआ है और वो प्रमोट होके जो है अभी डीओ बन गए हैं, हायर मतलब डेवलपमेंट एक्सटेंशन ऑफिसर के पोस्ट में चले गए हैं। तो अभी जो एडीओ के जो पद हैं, वो पद अब आपके खाली हो चुके हैं और संकेत भी किया गया है कि ये भर्ती जो है प्रक्रिया इस पे चालू की जाए। तो लगभग जो है एडीओ के 350 प्लस, मतलब 300 प्लस मान सकते हैं, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 350 जो है पोस्ट इस बार एडीओ के आने को है। और ये जो है आपका नेक्स्ट मंथ मार्च, इस मंथ मार्च या तो नेक्स्ट मंथ अप्रैल, ये दोनों में से एक मंथ में जो है इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आज जो है हम एडीओ के बारे में देख लेते हैं कि उसकी संपूर्ण जानकारी, कि उसका सिलेबस क्या होता है, उसके क्वालिफिकेशंस क्या मांगते हैं, है ना, कितने मार्क्स का पेपर होता है, कैसा रहता है पेपर का लेवल, तो ये सब चीजों के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि देखिए, समय कम है, तैयारी कर रहे हैं, इलेक्शन का ईयर है, तो काफी सारे वैकेंसीज आएंगे, नो डाउट आएंगे ही, ठीक है, हम मतलब जानते हैं कि आज नहीं तो कल वैकेंसीज आएंगी, नहीं आएंगी ऐसा नहीं कह सकते, ठीक है, तो इसलिए तैयारी में रहे हम, है ना, क्योंकि अचानक से नोटिफिकेशन आता है और सबको पता है कि सीजी व्यापम जो भी, क्योंकि अच्छा इसका एग्जाम जो लेता है वो सीजी व्यापम द्वारा लिया जाता है, तो सीजी व्यापम जो भी एग्जामिनेशन लेता है उसके लिए बहुत कम समय देता है। आज नोटिफिकेशन जारी होगा तो नोटिफिकेशन से फिक्स एक महीने बाद आपका एग्जामिनेशन ले लिया जाता है। तो एक मंथ का जो टाइम होता है वो इतने बड़े सिलेबस को पढ़ने के लिए सफिशियंट नहीं है, क्योंकि एडीओ में जो है बहुत सारी एडिशनल चीजें हैं, जैसे उसमें पंचायती राज का जो सेक्शन होता है वो काफी मतलब वाइड होता है, बड़ा लेवल पे पूछा जाता है, ठीक है, तो इसलिए देखते हैं, डिस्कस करते हैं। तो अच्छा, इस पे एक जो नया है अभी अपना जो है, तो वो मैं पुराने जो 2017 में एग्जामिनेशन हुआ था एडीओ का, ठीक है, तो उसी का जो नोटिफिकेशन मैं लेके आया हूँ, इसमें कुछ कुछ चेंजेस होने की संभावना है इस बार, है ना, जैसे पोस्ट नंबर ऑफ पोस्ट 300 या 350 प्लस होगा, ये इस बार श्योर है। उसके अलावा जो है आपके पास जो है जो ग्रेड पे है वो 2400 ग्रेड पे, जो पे मैट्रिक्स अभी 7 पे के अकॉर्डिंग मेरे ख्याल से पे मैट्रिक्स 7 है, है ना, तो उसके ऊपर ये होता है इनका जो होता है, और इनका जो मेन काम होता है असिस्टेंट डेवलपमेंट एक्सटेंशन ऑफिसर का जो है, सहायक विकास विस्तार अधिकारी, ये ग्रामीण क्षेत्र में जो है ग्रामीण विकास के लिए काम करते हैं और बहुत सारे इनके काम होते हैं, इनकी पोस्टिंग जनरली ग्रामीण क्षेत्रों में होती है। तो ये इसके लिए जो है पिछले बार ये था, तो इसमें कुछ जो क्वालिफिकेशंस थे वो कुछ ऐसे थे कि पात्रता जो है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, ठीक है, और हिंदी बोलने और पढ़ने में लिखने में जो है सक्षम हो, हिंदी में ग्रेजुएट हो, मिनिमम ग्रेजुएट रिक्वायरमेंट है, ठीक है। उसके अलावा आवेदक को छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी, व्यापम में ये कंपलसरी कंडीशन है कि आप छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी हो। उसके अलावा जो आयु सीमा है उस समय 20 वर्ष पूर्ण कर ली हो और 35 वर्ष से अधिक ना हो। कैटेगरी वालों को 3 से 5 साल, ओबीसी वालों को 3 और एसटी वालों को जो है 5 साल की जो छूट मिलती है वो तो मिलेगी ही। उसके अलावा जो है और बहुत सारी जो ये चीजें थी ये तो थी। अब इसमें एक और जो चीज था पिछले वाले में जो था वो ऐसा था कि जो 80% 15%
15% जो है बोनस दिया जा रहा था किनको, एक विशेष डिग्री ग्रामीण विकास में जो है विशेष जो डिग्री करके रखे हुए थे उनके लिए, ठीक है। तो ये नियम जो है हो सकता है इस बार भी यथावत रहे, लेकिन इसके ऊपर कहना संशयपूर्ण है, इसलिए क्योंकि विचार चल रहा है कि जो 15% जो बोनस है उसको जो है इस बार हटाने पे भी चर्चा चल रही है, लेकिन इस पे कुछ भी चीज कहना जो है उचित नहीं होगा, क्योंकि ये जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा ये क्लियरिफाई नहीं हो पाएगा। ओके, तो अब हम लोग चर्चा करते हैं इसके सिलेबस के ऊपर में, ठीक है। तो सहायक विकास विस्तार अधिकारी जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है, वो कैसा होता है? तो देखिए, इसमें कुल 5 सेक्शन है सामान्य ज्ञान के जो होते हैं विशेषकर छत्तीसगढ़ के विशेष संदर्भ में। अच्छा, ये काफी अच्छा है इसलिए क्योंकि इसमें छत्तीसगढ़ के लोकल ग्रामीण एरिया के लिए है ना ये पोस्ट जो है, इसलिए इसमें छत्तीसगढ़ के विशेष संदर्भ को ऐड किया जाता है। जैसे देख लेते हैं, जो 30 अंक के टोटल 150 प्रश्न होंगे, 150 प्रश्न, हर एक प्रश्न जो है 1 मार्क्स का होगा, ठीक है, 1 मार्क्स इच। उसके अलावा इसमें नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान होता है, एक जो रॉन्ग आंसर पे जो है 0.25 माइनस कर दिया जाता है, तो माइनस मार्किंग का भी प्रावधान होता है। 150 नंबर के प्रश्न होते हैं, है ना, और कट ऑफ इसका 100 के अराउंड गया था पिछली बार, लेकिन वो उसमें क्या है 85 और 15 का जो गणित था वो थोड़ा सा गणित बिगाड़ दिया था, क्योंकि जो डिग्री वाले हैं पंचायती में, विशेष पंचायत कुछ एक डिग्री नाम होता है, मुझे याद नहीं आ रहा है, तो उनको उनके लिए जो है 15% एक्स्ट्रा बोनस था, और हमारा जो था वो जो नॉर्मल जो दिए रहे हैं उनका सिर्फ 85% काउंट होना था। तो ये जो था ये थोड़ा सा गणित बिगाड़ा था पिछले बार, बट इस बार देखते हैं क्या होता है, ये रहता है कि हटता है। लेकिन 30 मार्क्स के जो है बहुविकल्पी प्रश्न आपके एमसीक्यूज जो होंगे, वो टोटल 150 एमसीक्यू होते हैं वैसे तो, अब उसमें 30 जो है वो होंगे सामान्य ज्ञान के, तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं, भारतीय संविधान, राजनीतिक प्रणाली और भारतीय प्रशासन रहेगा। उसके अलावा छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय, छत्तीसगढ़ का इतिहास, संगीत एवं नृत्य और छत्तीसगढ़ की जनजातियां, ये भी छत्तीसगढ़ का ही है। तो ये इसमें टोटल जो 4 चैप्टर है वो छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है, 30 क्वेश्चन में से, और बाकी 2 ही पार्ट है, जो एक तो संविधान बसा है इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे, और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं जो करेंट अफेयर्स के कह सकते हैं। उसके अलावा जो आजीविका के ऊपर, आजीविका का एक विशेष पोर्शन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और अभी जो है हमने यूट्यूब पे जो है आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं कि आजीविका के लिए कुछ कुछ टॉपिक्स पे जो है विशेष कक्षाएं जो है हम लोग आयोजित कर रहे हैं, यूट्यूब पे फ्री क्लासेस भी आपको मिल जाएंगे कुछ कुछ, तो आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। इसके लिए पंचायती राज के लिए वीडियोज आपके लिए बनाए जा रहे हैं, तो ये आजीविका पे 30 प्रश्न और पंचायती राज पे 30 प्रश्न, तो ये 30 और 30 जो 60 प्रश्न होता है ये नॉर्मल जो व्यापम के एग्जाम्स होते हैं उससे अलग होता है। इसमें ये जो 60 नंबर होते हैं यहाँ पे बहुत डीप क्वेश्चन पूछा जाता है, पंचायती राज अधिनियम से क्वेश्चन पूछा जाता है, त्रिस्तरीय संरचना से, ग्राम सभा से, मतलब डीप, पंचायत से एकदम डीप, और आजीविका से जो है बहुत डीप क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं, तो इसके लिए आपको डीप स्टडी की जरूरत पड़ती है ना। 60 क्योंकि 60 नंबर का है, काफी अच्छा वेटेज होता है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। 30 और 30 60 हो गया, और 30 मिला के 90 आपका हो गया है टोटल। अब जो है 30 नंबर का होता है ग्रामीण विकास फ्लैगशिप योजनाओं के लिए, तो ये अब एक और जो 30 नंबर है ना, ये भी ग्रामीण विकास से संबंधित है, मतलब 60 तो पंचायती राज और आजीविका से था, और 30 नंबर जो आपका ग्रामीण विकास का, तो ये पंचायती राज और आजीविका तो आपको किसी भी बुक में मिल जाएगा, लेकिन ये जो ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजनाएं जो है ये एक अलग टाइप का टॉपिक हो जाता है, तो ये काफी महत्वपूर्ण है। ये भी 30 मार्क्स का है, इसको भी अंडरएस्टिमेट नहीं किया जा सकता है। उसके अलावा जो है 30 नंबर के हिंदी होते हैं, लैंग्वेज सामान्य हिंदी जो है वो 30 नंबर का होता है, यही आपका स्कोरिंग हो सकता है। तो टोटल 150 का आपने डिवीजन देख लिया, और ये पूरे सिलेबस आपके पास है, आपको अगर चाहिए ये जो पुराना सिलेबस तो आप कमेंट कर सकते हैं हमारे पास, व्हाट्सएप से आपको हम भेज देंगे, हमारे कॉम्पिटिशन विंग के जो कॉन्टेक्ट नंबर पर आप कर सकते हैं, तो आपको मिल जाएगा इसका PDF, है ना। और ये है कि इसकी तैयारी जो है आपको अभी से करनी है। अच्छा, ये उसी सिलेबस का इंग्लिश में है ना, तो तैयारी जो है क्योंकि ADO का वैकेंसी कभी भी आ सकता है दोस्तों, है ना, तो तैयारी आपको अभी से चालू करना है। ये हमने पूरा सिलेबस बता दिया, सिलेबस ऑलमोस्ट यही रहेगा, चेंज होने की संभावनाएं नहीं है, है ना, और क्वालिफिकेशन भी वही है, आपको सामान्य ग्रेजुएट मंगा हुआ है। तो जो युवा साथी तैयारी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और जो ग्रेजुएट हैं, है ना, और जिनको ADO बनने का जो है सपना देख रहे हैं काफी समय से, ADO की बात चल रही थी,
तो वो अब समय निकट है, नजदीक है, कभी भी आपकी वैकेंसीज जो है जारी हो सकती है, तो आप अपनी तैयारी प्रारंभ कर दें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।